20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज। 100 में से 99 लोगों की इनकम या तो कम हो गई है या वही की वही रही। अप्रैल से जून के बीच 74% MSME के किसी भी कारखाने ने या कंपनी ने नए लोगों को काम पर नहीं रखा है। मंदिर वही बनाएंगे, दुश्मन देखते रह जाएंगे। दुश्मनों का काल आ रहा है रफाल। अच्छे दिन। हमारे भारत में कोई ना कोई मुद्दा सुर्खियों में रहता ही है। क्या उन मुद्दों का हमारी निजी जिंदगी से कोई ताल्लुक है भी या नहीं? बिना जाने हम उन मुद्दों पर ध्यान देते रहते हैं। मोदी जी के 2014 में चुनाव जीतने से पहले एक नारा काफी प्रचलित हुआ था, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन, अच्छे दिन। कितने अच्छे दिन आए ये तो अब आप सबके सामने ही है। देश में मंदी की मार, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, इन मुद्दों पर तो अब मीडिया ने भी ध्यान देना बंद कर दिया है। भारत में जब कोरोना अपने शुरुआती दौर में था तब पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया। इस लॉकडाउन की वजह से कई लोगों की नौकरियां गई और कई लोगों की सैलरी में भी कटौती हुई। पूरे देश में मजदूर पैदल अपने घरों की ओर चल दिए। इस संकट में प्रधानमंत्री मोदी ने देश में एक ऐलान किया कि वे 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रहे हैं। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ये पैकेज 20 लाख करोड़ का नहीं बल्कि सिर्फ 2 लाख करोड़ के आसपास का है। मुद्दा जनता को मदद देने का था, क्या इस पैकेज से किसी आम जनता को फायदा हुआ? अब बात करते हैं लॉकडाउन की वजह से लोगों की आमदनी में क्या असर पड़ा है। CMIE संस्था ने हाल ही में इनकम सर्वे किया जिसमें उन्होंने लोगों से सवाल किया कि पिछले साल के मुकाबले आपकी इनकम में कितना इजाफा हुआ है। इस डाटा के मुताबिक अप्रैल 2020 में सिर्फ 9.6% लोगों ने कहा कि उनकी सैलरी में इजाफा हुआ। वहीं अगर मई 2020 की बात करें तो सिर्फ 6.1% लोगों ने कहा कि उनकी इनकम में इजाफा हुआ। वहीं अगर हाल ही के जून 2020 की बात करें तो ये आंकड़ा सिर्फ 4.4% तक रह गया, यानी कि तकरीबन 96% लोगों की आय या तो नहीं बढ़ी या फिर घटी है। अगर पिछले साल की बात करें तो अप्रैल जून 2019 के बीच 33% लोगों ने कहा था कि उनकी आय बढ़ी है। न्यूज क्लिकिंग पर अनुन्दय चक्रवर्ती ने इस डाटा पर अधिक जानकारी दी है और उन्होंने ये बताया कि लॉकडाउन का लोगों की इनकम पर कितना असर हुआ है। आप जानते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनका इनकम ज़्यादा बढ़ता नहीं, उनका सैलरी बहुत दिनों तक एक ही चलता है। जो आपके घर में काम करते हैं वो कहते हैं कि थोड़ा बढ़ा दीजिए, लेकिन ज़्यादातर लोग 2-3 साल में एक बार बढ़ाते, उससे पहले नहीं बढ़ाते, तो गरीब लोगों का इनकम बहुत कम बढ़ता है। खैर, अप्रैल से जून 2019 में जिनकी आय 6000 से कम थी, 6000 से कम फैमिली इनकम जैसे जो फैमिली थे महीने की, ऐसे लोगों में सिर्फ 14%, 100 में से 14 ऐसे थे जिनकी आय बढ़ी थी पिछले साल, और पिछले साल भी खराब था, अच्छा नहीं था। इस साल सिर्फ 1%, यानी कि आप कंपेयर करके देखिए अप्रैल से जून 2019 में 14%, और वही अगर मैं इस साल आकर देखूं तो सिर्फ 1% बढ़ा है। तो लॉकडाउन का इनका इम्पैक्ट क्या है कि 100 में से 99 लोगों की इनकम या तो कम हो गई है या वही की वही रही। CMIE द्वारा दिए डेटा को लेकर NDTV के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने भी कुछ अहम जानकारी साझा की है। सरकार कभी नहीं बताएगी कि कितने लोग तालाबंदी के दौरान बेरोजगार हुए हैं, उनकी सैलरी बंद हुई है। कोविड क्वार्टर यानी अप्रैल से जून के बीच 74% MSME के किसी भी कारखाने ने या कंपनी ने नए लोगों को काम पर नहीं रखा है कि 11 करोड़ एक अनुमान के हिसाब से इस सेक्टर में लोग काम करते हैं। अगर इसमें से 5 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएं
तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये वही सेक्टर है जिसके कंधे पर सवार होकर मेक इन इंडिया को सफल होना था, जो फेल हो गया। अब इसके कंधे पर आत्मनिर्भर भारत का बोझ डाला गया है, नई पैकेजिंग की गई है। अब जब 3 लाख करोड़ के पैकेज दिए गए हैं तो उनसे जोड़कर क्यों नहीं बताया जाता कि इतना रोजगार पैदा किया गया है, जबकि सच्चाई यह है, खुद इस सेक्टर के लोग 3-3 बार के सर्वे के बाद कह रहे हैं कि 2.5 से 2.5 करोड़ लोग अभी रोजगार खो चुके हैं और अगस्त तक और 1.5 करोड़ यानी 5 करोड़ 4 करोड़ और 5 करोड़ के बीच लोग रोजगार खो देंगे, और इस पर कहीं कोई बात नहीं हो रही। वही राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियां ये हैं: फरवरी में नमस्ते ट्रंप, मार्च मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, अप्रैल मोमबत्ती जलवाई, मई सरकार की 6वीं सालगिरह, जून बिहार में वर्चुअल रैली और जुलाई में राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश। इसलिए देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर है। इसके अलावा आप ये भी देखिए कि इस समय भी मेनस्ट्रीम मीडिया किन मुद्दों पर तवज्जो दे रहा है। दुश्मनों का काल आ रहा है रफाल, स्वैग से करेंगे रफाल का स्वागत। आखिर सुशांत को मौत को आत्महत्या, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। सोनिया सेना की सरकार और मूवी माफिया सुशांत की मौत को आत्महत्या साबित करने में लगे हुए हैं। सुशांत उन गैंग्स के शिकार हुए जिन्होंने एक तरफ से बॉलीवुड पर कब्जा कर रखा है। राजस्थान में राजनीतिक दंगल अब भी चल रहा है। तमाम जगहों पर यह बताने की कोशिश की गई कि गवर्नर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रहे हैं। बार बार अशोक गहलोत कह रहे हैं, क्या किसी को अपनी पहचान छिपाने की जरूरत है, ये वो लोग कह रहे हैं जो जाति की राजनीति करते हैं। जवाब है नहीं। लोगों की जेब पर जो असर पड़ रहा है इस पर मीडिया में डिबेट नहीं देखने को मिल रही। हम यही उम्मीद करेंगे कि आगे चलकर मीडिया इन मुद्दों पर भी ध्यान देना शुरू करेगा और सरकार से सवाल करना शुरू करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.